नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूँ। नया जिला बना श्री गंगानगर अनूपगढ़ के 20 सालों से डॉक्टर को तरस रहा अनूपगढ़। राजकीय की जगह बन रहा रेफरल अस्पताल, 14 की जगह केवल 6 डॉक्टर कार्यरत। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे अनूपगढ़ में 20 सालों से डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ चिकित्सा सेवाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में कई बदलाव हुए, लेकिन डॉक्टरों की व्यवस्था को लेकर कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यह कहना गलत नहीं होगा कि चिकित्सकों की कमी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा कस्बा स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के 14 पदों में से मात्र 6 पद ही चिकित्सक कार्यरत हैं। राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर कई बार क्षेत्र में लोग आंदोलन भी कर चुके हैं, मगर किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। चिकित्सकों की कमी के चलते कई बार तो मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ता है। अनूपगढ़ की राजकीय चिकित्सालय रेफरल चिकित्सालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस चिकित्सालय में अधिकतर मरीज चिकित्सकों के अभाव से में रेफर कर दिए जाते हैं। कई मरीज तो हायर सेंटर पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अनूपगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टरों के अभाव के चलते मरीजों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चिकित्सालय में प्रतिदिन 500 के लगभग की ओपीडी रहती है, मगर यहां डॉक्टरों के पद रिक्त होने के कारण मरीजों को कई बार बिना जांच के ही लौटना पड़ता है। स्थानीय अस्पताल में चिकित्सकों के 14 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। वर्तमान में 6 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं। कार्यरत चिकित्सकों में से एक चिकित्सक विभागीय कार्य और इमरजेंसी में व्यस्त रहता है। आपको बता दें कि अस्पताल 1995 में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कर्मोन्नत हुआ था। समय के साथ जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई, लोग बाहर के क्षेत्रों से आकर भी कस्बे में और ग्रामीण क्षेत्रों में बस गए, लेकिन चिकित्सक सुविधाएं बढ़ने की बजाय पहले से बहुत ज़्यादा कम होती गई। कर्मोन्नत होने के साथ ही चिकित्सालय में 14 पद सर्जित किए गए। एक समय था जब अस्पताल में लगभग सभी पद भरे होते थे। वर्तमान में अस्पताल में पिछले काफ़ी समय से गायनी, मेडिसिन, नेत्र रोग, सर्जरी व हड्डी रोग विशेषज्ञ सहित सभी महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं। उक्त पदों में रिक्त होने से अस्पताल में दुर्घटना, सर्जरी, गंभीर प्रसव से संबंधित मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अस्पताल की दयनीय स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अस्पताल में कोई भी MD फिजिशियन भी नहीं है। अस्पताल की चिकित्सक सुविधाओं को इस समय विशेषज्ञ चिकित्सकों की बूस्टर डोज की आवश्यकता है। वहीं डॉक्टर दिनेश कुमार का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, यहां विशेषज्ञों की नियुक्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। अनूपगढ़ विधायक संतोष बाबरी का कहना है कि डॉक्टरों को लेकर विधानसभा में कई बार मांग उठा चुकी हूं, मगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आम जन भुगत रहे हैं। जिला प्रमुख कांग्रेस कुलदीप इंदौरा ने का कहना है कि 8 महीने पहले राजकीय चिकित्सालय में 3 डॉक्टर थे, अब 6 डॉक्टर कम कर रहे हैं। अनूपगढ़ का अस्पताल जिला अस्पताल बन चुका है, जल्द डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। डॉक्टरों के अभाव में मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। राजस्थान सरकार से उम्मीद है जिला बनने के बाद लोगों को सुविधा मिलेगी। सुखविंदर सिंह मक्कड़, पार्षद। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे Facebook, Instagram पेज को फॉलो जरूर करें। आप सबका साथ ही हमारी हिम्मत है। आप सबके साथ के कारण ही हम चैनल पर वीडियो प्रसारित करते हैं। अगर आपके आसपास किसी तरह से कोई अवैध कार्य हो रहा है या आपके खुद के साथ किसी बड़े अधिकारी द्वारा किसी तरह से कोई अन्याय किया जा रहा है तो उसकी सूचना हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। रियल हेडलाइन न्यूज़ चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद करने की कोशिश करेगा।